पिछले भाग में वरप्रसाद और कुमारी की शादी हो गई और वे साथ में सुखी थे। आगे क्या हुआ हम इस भाग में देखेंगे। वे सभी खुशी से रह रहे थे। कुछ समय बीत गया। एक दिन एक कांच का खिलौना टूट गया। तब शोभा के साथ कुमारी, मैं इस कांच के खिलौने को इतनी पसंद से लाई थी शोभा, और तुमने तोड़ भी दिया। माँ, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा इसे। पहले गलत काम किया और अब झूठ बोल रही हो। वो उसे पीटना शुरू कर देती है। तभी वर प्रसाद वहाँ आ गया। क्या हो गया, क्यों पीट रही हो? पिटाई ना करूं तो क्या इसकी आरती उतारूं? इतनी पसंद से लिए थे ये कांच के खिलौने और इसने तोड़ दिए। शोभा ने नहीं तोड़े तुम्हारे कांच के खिलौने, मुझसे टूट गए। मेरा हाथ गलती से उस पर पड़ गया था और वो नीचे गिर गया। बिना सच्चाई जाने उसके साथ एक जानवर की तरह व्यवहार कर रही हो, आइंदा देखूं ना। वो उसे डांटता है। उसकी बात सुनकर वो दुखी होकर वहाँ से चली गई। कुमारी एक जगह पर बैठी थी। इस चंट शोभा के कारण मेरा पति मुझे डांट रहा है। मैं उसे आज फिर पीटूंगी, फिर देखती हूँ क्या करता है। वो तो उसे एकदम अपनी असल बेटी मानने लग गया है। कल जब मेरा अपना बच्चा होगा और अगर ये शोभा शोभा ही करता रहेगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा? इसीलिए अब मैं इस लड़की को अपने से दूर ही रखूंगी और जहन्नुम दिखाऊंगी, जहन्नुम। उस दिन से वो शोभा के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। शोभा को घर के सभी काम करने के लिए कहती है। शोभा के साथ एक दिन कुमारी, अरे शोभा, कोई काम नहीं है क्या? ऐसे क्यों बैठी हो यहाँ? माँ, मैंने सारे काम कर लिए हैं। हाँ तो कुएं से पानी निकालो और पौधों में डालो। उसने कहा ठीक है। शोभा से पानी निकालते हुए बाल्टी कुएं में गिर गई। अचानक हुई उस आवाज को सुनकर कुमारी बाहर आ गई। अरे क्या तुमने बाल्टी को कुएं में फेंक दिया? गलती से गिर गई माँ, फेंका नहीं। तो फिर कुएं में उतरो और बाल्टी निकाल के लाओ। माँ, कुआ तो बहुत गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता है। कुएं में उतरोगी तो तैरना भी आ जाएगा। वो उसे कुएं में धकेल देती है। बाहर निकालो। वो जोर से चिल्लाती है और नींद से जाग जाती है। कुमारी वहाँ जल्दी से आई। शोभा, क्या हुआ, तुम चीखी क्यों थी? माँ, सच में मुझे जीवन में तुम्हारे और बाबा के रूप में एक नई रोशनी मिली है। क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ ने मुझे बहुत सताया। बाद में उसने अपना दिल मेरे लिए साफ कर लिया और मेरे साथ अच्छे से रहने लगी। बाद में उसे लगा कि मेरी वजह से उसे मुश्किलें आएंगी और फिर सताने लग गए। ये जानकर मैं उससे दूर हो गई। मुझे सपना आया कि तुम भी मेरे साथ मारपीट कर रही हो। उसने सुना तो रोने लगी। हे भगवान शोभा, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे ये सपने कभी सच नहीं होंगे। तुम इन सारी बातों के बारे में जरा भी नहीं सोचना। ये घर मुझे तुम्हारी वजह से मिला है, मेरा अपना कोई नहीं है। अगर मैं तुम्हें सताऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? शोभा उसके गले लग गई। रो क्यों रही हो? फिर दोनों खूब रोई। मुझे तो लगता है कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है। ये देखकर अपने दिल में वर प्रसाद, हे भगवान, इनके आपसी स्नेह को ऐसे ही बनाए रखना। प्रार्थना है आपसे, हमेशा ध्यान रखना कि हमारे परिवार में कोई गलत फहमी ना हो। उसने भगवान से प्रार्थना की। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अपने मन में कुमारी, हमारी शादी को इतने महीने हो गए हैं, लेकिन अब तक मैंने गर्भ धारण नहीं किया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पति भी इस बात से दुखी हैं। हे ईश्वर, मेरी गोद भर दीजिए ना। परसों ही मैं डॉक्टर के पास गई थी, आशा है कि रिपोर्ट में सब कुछ ठीक होगा। वो सोच रही थी कि तभी वर प्रसाद घर लौट आया। उम्मीद से भरी कुमारी उसके पास गई। सुनिए, आपने रिपोर्ट देखी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? वर प्रसाद कुछ नहीं कह सका, चुप रहा। अजी क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? कुछ तो कहिए, डॉक्टर ने क्या कहा? सपने देखना छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चा होना जरा मुश्किल होगा। ये सुनकर वो दुख के साथ, हे भगवान, मुझे माँ बनने की आशा थी, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा? वो दुखी थी। उदास मत हो, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं, इसका नियमित उपयोग करो। भगवान हम पर अपनी कृपा जरूर दिखाएंगे,
लेकिन इस बारे में ज्यादा सोचो मत, बस। दोनों दुखी महसूस कर रहे थे, तभी शोभा वहाँ आई। उन्हें रोते हुए देखकर उसने पूछा, पापा माँ तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? सुनो, अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हूँ तो क्या हुआ? शोभा हमारी बेटी है तो, हालांकि मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। उसकी बात सुनकर वर प्रसाद ने कहा, हाँ वही है मेरी बेटी, हमें बच्चे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर शोभा ने पूछा, पापा कल तुम अस्पताल गए थे ना, वहाँ क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या बोला माँ को? उन्होंने कहा कि तुम्हारा छोटा भाई नहीं आएगा। वो उदास हो गई और कुमारी के लिए दुखी होने लगी। तो आप दोनों दुखी हो रहे हो? तब कुमारी चहक कर बोली, इसके बारे में छोड़ो, तुम भी क्या सोच रही हो? तुम हो ना, ये बहुत है और कोई हमें चाहिए भी नहीं। वो दृढ़ता से कहती है। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। इसके बाद वे सभी रात का भोजन करते हैं और आराम करते हैं। अगले दिन वे सब कुछ भूलकर एकदम सामान्य हो जाते हैं। वे शोभा में अपने बच्चे को देखते हैं और खुशी से रहते हैं। एक बार एक गांव में पशुओं का व्यापारी जगताप रहता था। उसका काम था उन गायों को लेकर आना जो दूध नहीं देती हो, और फिर उन्हें कसाई को बेच देना। ऐसे ही फिर एक दिन जगताप एक गाय लेकर आया और एक खूंटे से बांध दी। इस बीच एक आदमी जगताप के पास आया। जगताप, कोई गाय लाए हो क्या आज? हाँ, उस गाय को देखो, मैं इसे आज ही गांव से पकड़ कर लाया हूँ। ठीक है, तो फिर मैं पैसे लाकर कल गाय ले जाऊंगा। और वो चला गया। गाय ने सुना, हे भगवान, ये जगताप मुझे उस आदमी को बेच रहा है क्योंकि मैं दूध नहीं दे रही। मैं गर्भवती हूँ, मुझे किसी भी तरह मेरी कोख में पल रहे बच्चे को बचाना होगा। हे ईश्वर, मेरी सहायता कीजिए। वो फिक्र में पड़ गई। तभी उसे एक उपाय सूझा। वो तुरंत जगताप के पास गई और कहा, जगताप मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं एक जादुई गाय हूँ, एक साल में एक महीने में गोबर में सोना देती हूँ। मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं बताई। तुम मुझे भले इंसान लगे, इसीलिए बता रही हूँ तुमको। क्या क्या सच में तुम एक जादुई गाय हो? मैं कैसे यकीन करूं तुम्हारी बात पर? और उसने अपनी पत्नी कालकी को आवाज दी। वो बाहर आई। क्या हुआ, तुमने आंखें क्यों चौड़ी कर रखी हैं? तब जगताप ने उसे सब कुछ बताया। क्या, गोबर में सोना? ये कैसे हो सकता है? लेकिन इस तरह तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। पूछो कब देगी सोना? जगताप ने पूछा। वो मैंने पिछले महीने ही दिया है, अब फिर इसी महीने में अगले साल दूंगी। ये सुनकर जगताप और कालकी ने गाय को ना बेचने का फैसला किया। अगले दिन वो आदमी गाय खरीदने आया तो जगताप बोला, मैं इस गाय को अपने घर ही रखूंगा और पालूंगा, मुझे नहीं बेचनी है। ये कहकर उसने उस आदमी को वहां से रवाना कर दिया। फिर उसने गाय को हरी हरी घास खिलाई और उसका ध्यान रखा। एक दिन कालकी बड़ी दूर से घड़े में पानी भर के घर लौट रही थी। गाय ने उसे देखा और उसे उस पर दया आई। अरे, कालकी बड़ी मेहनत करती है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। कल से मैं लाऊंगी पानी भर के। उसने एक रस्सी से बंधा हुआ घड़ा अपनी पीठ पर लदवाया और नदी से पानी भर के ले आई। जगताप और कालकी को उसे काम करते देख बहुत अच्छा लगा। तुम कितनी अच्छी हो, तुमने मेरे काम करने में मेरी मदद की। तुम दोनों ही मेरा कितना ध्यान रखते हो, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूंगी। जगताप और कालकी उस अच्छी गाय को पाकर बहुत प्रसन्न थे। वो खेत में भी जगताप की मदद करने लगी। हमने इस गाय को अपने साथ रखने का निर्णय लेके बहुत सही किया है। जिस दिन से ये हमारे घर में आई है, इसने हमारे काम के बोझ को कम किया है। हाँ सच है, ये गाय हमारे सभी कामों में जितना हो सके मदद करती है। कुछ दिन बीत गए,
एक दिन सुबह गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। हे भगवान, मेरा बच्चा सुरक्षित पैदा हो गया। और उसने रंभा रंभा कर जगताप को बुलाया। जगताप और कालकी बाहर आए और उन्होंने उस छोटे से बछड़े को देखा और बहुत खुश हुए। अरे, सुबह सुबह इतनी अच्छी बात हुई है, अब हमें गाय का दूध भी मिलेगा और ये बछड़ा कितना प्यारा है। उन्होंने गाय के बछड़े के लिए भी जगह बना दी और उस दिन से उन्होंने गाय को अधिक घास देना शुरू कर दी। बच्चे को दूध पिलाने के बाद जो दूध रहता गाय उन्हें दे देती। जगताप ने घर में जितना इस्तेमाल हो उसके अलावा उस दूध को बेचना शुरू कर दिया और काफी पैसा कमाया। कालकी, जिस दिन से ये गाय हमारे घर आई है हमारे घर में समृद्धि छा गई है। हाँ, तुम्हारी बात सोला आने सच है, ये हमारी मदद भी करती है और कुछ महीनों में ये सोने का गोबर भी देगी। कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब दोनों सो रहे थे एक चोर उनके घर में घुस गया। वे दोनों गहरी नींद में थे। जब चोर धीरे धीरे चल रहा था उसके पैर से एक पीतल के बर्तन को ठोकर लग गई और बड़ी तेज आवाज हुई। दोनों उस आवाज से जाग गए और उन्होंने चोर को अपने सामने देखा। उसे देखकर कालकी जोर से चिल्लाई। गाय वो आवाज सुनकर झटके से उठ गई। कालकी इतनी जोर से चिल्लाई क्यों है? वो खिड़की के पास गई और देखा चोर उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था। मुझे सारा सोना और पैसा जो भी हो दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे? गाय तुरंत अपने सींगों से दरवाजा तोड़कर घर में घुस गई। चोर ने चाकू से गाय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन गाय ने बड़ी फुर्ती से अपने सींगों से उसे घायल कर दिया। वो डर गया और वहां से भाग गया। आज तुमने जैसे हमें दूसरा जीवन दिया है, वरना हम उस चोर के हाथों मारे जाते। हाँ, अगर तुम किवाड़ तोड़कर नहीं आई होती तो पता नहीं क्या हो जाता, हम तुम्हारे एक कर्ज कभी नहीं चुका सकेंगे। कुछ और महीने बीत गए और वो महीना आ गया जिसमें गाय ने कहा था कि वो गोबर में सोना देगी। वे मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, उन्हें धोखे में रखना गलत होगा। मैं उन्हें सब सच सच बताऊंगी। गाय ने दोनों को बुलाया। तुमने हमें क्यों बुलाया? मैंने तुम दोनों से झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? मैं कोई जादुई गाय नहीं हूँ, मैं एक आम गाय ही हूँ। तुम मुझे एक कसाई को बेचने वाले थे और तब मैं गर्भवती थी। मेरी कोख में पल रहे अपने बछड़े को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था, मुझे माफ कर देना। उसने उन दोनों से माफी मांगी। उसकी बात सुनकर नाराज होने की बजाय उन दोनों को बहुत दुख हुआ। बात तो यह है कि हमें तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने तुम जैसी अच्छी गाय को जो गर्भवती थी एक कसाई को बेचने की सोची। मैंने इस तरह पहले कई और गायों को भी बेचा है जो एक गलत काम था। तुम हमें भले ही गोबर में सोना नहीं दे सकती हो लेकिन हमें अपना दूध देकर सोना खरीदने के लिए पैसे कमाने का जरिया तो दिया ही है। क्या हमें अब भी तुमसे कुछ चाहिए? अब से मैं उन गायों को नहीं बेचूंगा जो दूध नहीं देती हैं। उसकी सोच में बदलाव आने से गाय को खुशी हुई। उसके बाद जगताप ने ऐसी चार गाय खरीदी और अपनी उस गाय के दूध को बेचकर जो पैसा कमाया उससे संतुष्ट होकर जीवन जिया।